2021 के आईपीएल को तो आरसीबी की टीम ने कह दिया था अलविदा, लेकिन क्या 2022 के आईपीएल में इस साल कप नामदे का होगा हल्ला? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कि आरसीबी टीम आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले कौन से चार खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली है। अभी तक की जो रिपोर्ट है वो उसमें तो चार खिलाड़ियों का ही नाम आ रहा है, लेकिन अब अगले जो रूल आएंगे उसके हिसाब से मैं एक और वीडियो बना दूंगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आरसीबी टीम कौन से चार खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली है अपने मेन प्लेयर्स को, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आरसीबी के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पहले कहने बजना ताकि मेरे लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों देर नहीं करते, फटाफट से इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले खिलाड़ी जो कि आरसीबी की तरफ से डेफिनेटली रिटेन होने वाली आईपीएल 2022 के लिए वो है विराट कोहली। अब विराट कोहली जो है कप्तानी तो नहीं करने वाला आरसीबी की टीम के, क्योंकि उन्होंने पहले ही बयान दे दिया था कि T20I कप्तानी से जो है स्टेप डाउन हो चुके हैं। पर आरसीबी की टीम फिर भी विराट कोहली को रिटेन करने वाली है, जो इनका आइकॉनिक है ना आरसीबी का वो विराट कोहली है, और उसी कारण जो है आरसीबी की टीम रिटेन करने वाली है, क्योंकि बहुत अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, कभी कभी बहुत अच्छा चल जाते हैं। अभी हालांकि उनका फॉर्म तो साथ नहीं दे रहा है, लेकिन यह खिलाड़ी ऐसा है कि कब चल जाए पता नहीं है, और आरसीबी की टीम जो है डेफिनेटली विराट कोहली को जो है रिटेन करने वाली है 101%। दूसरे खिलाड़ी जो कि रिटेन हो सकते हैं वो है एबी डिविलियर्स। अब एबी डिविलियर्स का तो कुछ कह नहीं सकते, आखिरी आईपीएल हो सकता है आईपीएल 2022 का, लेकिन आरसीबी की टीम अगर चाहे तो रिटेन कर सकती है, कि 2-3 साल अगर और खेल जाए तो आरसीबी की टीम को बहुत कुछ कर सकते हैं एबी डिविलियर्स। और एबी डिविलियर्स को जो है आरसीबी की टीम पक्का रिटेन करने वाली है, क्योंकि ये भी बहुत अच्छे बैट्समैन है। पिछले आईपीएल में तो इतना अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा था एबी डिविलियर्स का, लेकिन अब अपने आप को बैक कर सकते हैं एबी डिविलियर्स। और एबी डिविलियर्स भी जो है बहुत मेन खिलाड़ी है आरसीबी की टीम के। तीसरे खिलाड़ी जो कि आरसीबी की तरफ से रिटेन होने वाले वो है ग्लेन मैक्सवेल। अब ग्लेन मैक्सवेल भी बहुत अच्छे खिलाड़ी है, पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से साथ छूटा था, उसके बाद जो है आरसीबी की टीम की तरफ से क्या खेले है, क्या परफॉर्मेंस दिया है और नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस करा है। और इनके पास जो शॉट्स खेलने की काबिलियत है ना वो बहुत कम खिलाड़ियों के पास है, स्विच हिट खेलने की काबिलियत, और ऐसे खिलाड़ियों को जो है आरसीबी की टीम नहीं छोड़ने वाली है और डेफिनेटली रिटेन करने वाली है, क्योंकि आरटीएम कार्ड का तो मतलब रूल ही नहीं है शायद इस बार। अब चौथे खिलाड़ी में आरसीबी की टीम बहुत मारा मारे करने वाली है, क्योंकि आपके पास तीन ऑप्शन है चौथे खिलाड़ी में रिटेन करने के लिए। युजवेंद्र चहल है, आपके पास मोहम्मद सिराज है और देवदत्त पडिक्कल है। अब इन तीन खिलाड़ियों में से मेरे को तो सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा है मोहम्मद सिराज का, क्योंकि आपके पास तीन बैट्समैन जो है आपने रिटेन कर लिए हैं, मेन बैट्समैन विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल, और आप इसी के साथ तेज गेंदबाज के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि मोहम्मद सिराज के पास बहुत अच्छा यॉर्कर है, डेप्थ है और बाउंस है, बहुत अच्छा बॉलिंग कर लेते हैं आरसीबी की टीम की तरफ से मोहम्मद सिराज। तो मोहम्मद सिराज को जो है मेरे हिसाब से आरसीबी की टीम करने वाली है रिटेन। आपके हिसाब से कौन सा चौथा खिलाड़ी आरसीबी की टीम रिटेन करने वाली है इन तीन खिलाड़ियों को छोड़कर, आप कॉमेंट में बता सकते हो। तो ये चार खिलाड़ी मेरे हिसाब से रिटेन हो सकते हैं आरसीबी की टीम की तरफ से, आपके हिसाब से कौन से चार खिलाड़ी होंगे कमेंट में ये जरूर बता देना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना ताकि मेरे लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।